आज की क्लास जहां हम लोगों ने कल छोड़ा था, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर इसको बनाया था, वैसे ही आज की क्लास हमारी चालू होगी ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियों में ये दूसरा अपवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में आपको बता दूं मैं, जैसे ये भारत का मैप हो रहा है, आपको मैंने कल एक जगह बताया था मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के ही दूसरे तरफ से, एक तरफ से ये सिंधु नदी ऐसे निकल गई और इसी झील के दूसरे तरफ से ये ब्रह्मपुत्र ऐसा तीन देश में बहेगा, तिब्बत मीन्स चाइना, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, ये बातें याद हुई। ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदियाँ, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदी मिलकर इस तंत्र का निर्माण करेगी या इस सिस्टम को बनाएगा जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। अब देखिए आप, ब्रह्मपुत्र अपने नाम को बदलने के कारण बहुत ज़्यादा विख्यात है। इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम, नामों के बदलने के कारण आप इसे बेवफा भी बोल सकते हैं, इतने सारे नाम हैं इसके। आपको बताता हूँ मैं, कुछ देर पे रुकिए। थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इस एरिया को समझाने के लिए। ये मानसरोवर का झील, मानसरोवर झील, इसी में चेमा युंगलिंग ग्लेशियर, चेमा युंगलिंग ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी ये नदी निकली। यहाँ पर है नामचा बरवा पर्वत, इस नामचा बरवा पर्वत से ये यू टर्न लिया, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये पूरा असम में बहा और ये आखिरी में बांग्लादेश में चले गई। अब इस ब्रह्मपुत्र को कई नामों से जाना जाएगा, मैं आपको इसके इनके नामों का ही एक अलग से सीक्वेंस बता रहा हूँ। देखिए, जब ये यहाँ से निकलती है तो इसका नाम होता है सांगपो, सांगपो, सांगपो का अर्थ याद रखना है आपको, पवित्र करने वाली। तो जब ये निकली नाम था सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये एक दर्रा, यांग यांग दर्रा, यांग यांग दर्रा, इस पास से होकर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी और जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री की, इस नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है आपको, दिहांग नदी। पहला नाम सांगपो, सांगपो के बाद दिहांग, दिहांग नदी जैसे आसाम में प्रवेश किया, दिहांग नदी जैसे आसाम, ये आसाम, आसाम, जैसे दिहांग नदी आसाम में एंट्री किया, इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जैसे बांग्लादेश में घुसा,
बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाएगा जमुना, जमुना नदी। आगे बांग्लादेश में आपकी गंगा, गंगा। इस बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। जब ये जमुना और पद्मा नदी आपस में मिलेंगी तो आगे ये पद्मा नाम से बहना चालू हो जाएगा। ओके, ये पद्मा नदी इधर से एक और नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है बराक नदी। इसका एक और नाम याद रखना है, मेघना नदी। मिजोरम के ऊपर मणिपुर से निकल रही है ये नदी, आकर कहाँ मिली, पद्मा नदी में। तो अंतिम रूप से ये जब अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है तो ये अंतिम नाम इसका हो जाएगा मेघना। मेघना नाम से अपने जल को कहां पर गिलाएगी, बंगाल की खाड़ी। इतने नाम बदलती है, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा, मेघना, इतने सारे तो सिर्फ नाम हैं, इतने सारे केवल ब्रह्मपुत्र के नाम हैं। तो ये याद रखिए, सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली नदी। ये आगे चल के नामचा बरवा के पास से यू टर्न लेती है, यू टर्न लेके कहाँ एंट्री किया, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे को पार कर, किस दर्रे से होकर अंदर आती है, यांग यांग दर्रे से। आगे आने पर ये इधर से आएगी एक नदी, इधर से आया आपका लोहित और ये आया आपका दिबांग। दिबांग, जब ये दोनों नदियाँ, बोलने का मतलब इस जगह पर, यहाँ से क्या चालू होने वाला है आपका, यहाँ से आपका चालू होने वाला है आसाम राज्य। ये कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। आसाम चालू होने से पहले इस जगह पर इधर से एक दिबांग नदी आएगी और इधर से एक आ रहा है लोहित, लोहित और ये दिबांग, दिबांग। लोहित और दिबांग के मिलने से अब इस नदी का नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र। जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किया तब इस नदी का नाम क्या था, दिहांग नदी था। जब इस पर दिबांग और लोहित नदी मिले तब इसका नाम क्या पड़ा, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये पूरा आसाम में किस नाम से बहेगी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे। आगे चलकर जैसे ही ये कुछ दूरी पर आएगी इसकी धारा ऐसे बटना चालू हो जाएगा और ये आगे जाकर फिर मिल जाएगी। तो ये किसी नदी की धारा, ये ऐसे जा रही है, ये धारा ऐसे और ऐसे बटी, ऐसे ऐसे बटी और ये फिर एक जगह मिलकर ये आगे ऐसे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस जगह पर एक द्वीप बना, क्या बना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ऐसे तो ग्रीनलैंड है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, कौन सा द्वीप, नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, कौन सा द्वीप, माजुली। इसका क्या नाम है, माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। कहाँ पर बनेगा, आसाम में। कहाँ बनेगा, आसाम में। इतना आपको याद रखना है। आसाम में एक जगह, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो एक जगह पड़ेगा सादिया और आगे पड़ेगा धुबरी। सादिया और धुबरी, सादिया और धुबरी, ये जगह है असम में। मतलब ये आपका सादिया, ये हो गया आपका माजुली द्वीप, आगे आएंगे तो ये हो गया सादिया, ये हो गया धुबरी। सादिया से लेके धुबरी तक, सादिया से लेके धुबरी तक
नेशनल वाटरवेज नंबर 2। जैसे आपके नेशनल हाईवे होते हैं रोड के लिए, वैसी इधर है नेशनल वाटरवेज, जलयान की सुविधा है 2 नंबर का। ये सादिया से धुबरी की दूरी याद रखना है 891 किलोमीटर, परीक्षाओं में आ चुका है और आते रहेगा। सादिया से धुबरी तक के बीच की दूरी 991 किलोमीटर पर जल परिवहन की सुविधा है, आपको याद रखना है नेशनल वाटरवेज नंबर 2। और इसी सादिया से धुबरी के बीच में 2 फेमस जगह याद रखना है आपको, एक याद रखना है डिब्रूगढ़ और एक याद रखना है गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ फेमस फॉर पेट्रोलियम और गुवाहाटी असम की राजधानी है। आगे आएंगे जैसे ही ये सादिया से धुबरी पहुंचे, धुबरी से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाएगा। कहाँ एंट्री करेगा? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाएगा जमुना। इधर से गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश किया, नाम उसका पड़ गया पद्मा। तो ये पद्मा और जमुना के मिलने से आगे ये नदी पद्मा के नाम से बहेगी, पद्मा के नाम से बहेगी। और जैसे ये पद्मा के नाम से आगे बहना, ये पद्मा के नाम, ये देखो ये यहाँ से आगे नाम पद्मा पड़ेगा। तो इधर से एक नदी बराक नदी, बराक, इसी को क्या नाम दिया मैं, मेघना, मेघना नदी। ये किस पे आके मिलेगा? पद्मा नदी पर। यहाँ पर नाम क्या हो गया? पद्मा। अभी इससे पहले क्या था, जैसे एंट्री किया जमुना, ठीक है, इधर से आई पद्मा नदी। तो आगे नाम क्या पड़ गया? पद्मा। यहाँ तक जब तक क्या बराक नदी मिल नहीं जाती। अब इस नदी का नाम क्या पड़ गया, आगे जैसे ही मिलेंगे इस नदी का नाम पड़ गया मेघना, मेघना। और ये मेघना के नाम से ही किस पे, वे आप बंगाल या बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से निकलती है, तब उसका नाम सांगपो होता है। जैसे ही वो नामचा बर्मा पर्वत को पार करती है, यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करेगी यांगयांग दर्रे से, तब उसका नाम होता है क्या, दिहांग। जब ये पार कर रही है इसका नाम होगा दिहांग नदी। दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में बहती है। जब इस पर दिबांग और लोहित नदी आकर मिलेगी तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होगा। आगे चलकर इस पर माजुली द्वीप बनेगा, सदिया से धुबरी, इनके बीच में याद रखना है डिब्रूगढ़ और आपको क्या, डिब्रूगढ़ और आपको याद रखना है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी। सादिया से धुबरी तक वाटरवेज नंबर 2, ठीक है, हाँ। आगे आ गया तो इसका नाम, जैसे बांग्लादेश में एंट्री हुआ जमुना नाम। अब आपको एक और नदी याद रखनी है, ये सिक्किम, सिक्किम में आपको पड़ेगा चेलामू झील। चेलामू झील, चेलामू झील से एक नदी ऐसे, यह लो, ये है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। सिक्किम के चेलामू झील से ये नदी निकलती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दार्जिलिंग इसके तट पर है और आकर ये किस में मिल जाती है, जमुना में। जमुना बोलने से एक ही, अगर एक नदी लोगे तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है, एक ये सहायक नदी हुई। और कुछ सहायक नदियों में अगर बात करते हैं तो ये असम है, असम में एक और सहायक नदी आकर मिलेगी मानस। ये असम में मिला, ठीक है। एक नदी बता दिया मैं आपको, कौन सी, ये आई आपकी तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ये बराक, इधरी से एक नदी और याद रखना है आपको, धनसरी। नदी का नाम स्पष्ट याद रखना है,
धनश्री, ये निकलेगा आपका नागालैंड से, ये धनश्री। धनश्री तो ये धनश्री नदी याद रखना है आपको नागालैंड से। ये धनश्री नदी कहाँ से निकलती है? नागालैंड से। और यहीं पर एक नेशनल पार्क याद रखना है आपको, फेमस इंटाकी नेशनल पार्क। इंटाकी नेशनल पार्क के बीचों बीच ये धनश्री नदी गुजरती है, ठीक है। अब आपको एक नदी बता रहा हूँ, सुबर्णगिरी। ये नदी सुबर्ण नदी, ये नदी तिब्बत से निकलती, तिब्बत से, और आकर आसाम में किससे मिलेगी? ब्रह्मपुत्र से। तो आपको जानना है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है सुबर्ण नदी। तो ये इस ब्रह्मपुत्र के बारे में जानना था बस। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र अपने नाम बदलने के कारण ज्यादा विख्यात है, ठीक है। सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जमुना, पद्मा, मेघना, ये इसके नाम हुए। अगर सहायक नदियों की बात करेंगे तो याद रखना है दिबांग, लोहित, मानस, सुबर्ण नदी, तीस्ता, धनश्री, बराक, पद्मा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और ये सब मिलकर बनाती है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र या ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इसके बाद गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में जाएंगे, ठीक है। वो बहुत लंबा चैप्टर पड़ेगा और बहुत बड़ी क्लास पड़ेगी। ओके, थैंक यू।